हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप का एक और न्यू अपडेट प्ले स्टोर पे आ चुका है। तो गाइस, ये अपडेट अभी आधे लोगों को मिल गया होगा और आधे लोगों को बाद में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस अपडेट में आया क्या है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ना हम इन्फॉर्मेशन में देख लेंगे कि अपडेट में क्या क्या। मैंने पहले अपडेट स्टार्ट कर दिया है और अपडेट की इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या क्या चीज़ें अभी अपडेट के अंदर ऐड हुई। तो अभी जितनी भी चीज़ें आपको देख रही ना, ये लास्ट वाले अपडेट में ऐड हुई थी, यानी कि अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दिए। तो मैं आपको बताऊंगा इस अपडेट में ऐड हुआ क्या। देखो, यहाँ पे जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी लास्ट वाले अपडेट की, अभी कोई भी नहीं अपडेट की है। 42 MB का अपडेट है, लास्ट टाइम भी 52 MB का अपडेट आया था शायद 2 दिन पहले, और अभी फिर से एक 42 MB का अपडेट आ चुका है। तो गाइस, अभी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इस अपडेट में हमें क्या क्या देखने मिलने वाला है, और गाइस इसके बाद में एक अपकमिंग बहुत ही बड़ा अपडेट है उसके बारे में भी इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, अभी जो ये न्यू अपडेट आया था उसके अंदर आया क्या है, तो गाइस आप फटाफट ना सभी लोगों ना इस अपडेट को ना जल्दी से अपडेट कर लो। गाइस, इस अपडेट में गाइस आपके जो बग्स फिक्स होने वाले थे ना, वो सभी फिक्स होने वाले, मतलब जितने भी बग्स थे, जितने भी लैग थे, सभी फिक्स होने वाले मतलब हो गए या नहीं वो नहीं पता मुझे। आप लोग क्या करो, फटाफट ना गेम को अपडेट कर लो, और अपडेट करने के बाद मैंने गेम खेल के देखो, उसके बाद में मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके बता देना आपको अभी गेम के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है और आपकी कौन सी प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। और आपकी अगर सारी प्रॉब्लम भी फिक्स हो गई होंगी ना, फिर भी कमेंट करके आप सबको बता देना कि मेरी ना सारी प्रॉब्लम फिक्स हो गई है, और जिनकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही तो जो प्रॉब्लम है ना वो फटाफट अभी कमेंट कर देना। क्योंकि गाइस, ये फिर से जो अपडेट आया ना, ये हमारे बग्स और लैग है ना, जो भी इशू हो रहे हैं गेम के अंदर, उसे फिक्स करने के लिए आया है। और अभी पता नहीं जो फिक्स होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मेरे डिवाइस में ना वो तो लास्ट टाइम ही हो गए थे, बट फिर भी काफ़ी सारे लोगों के डिवाइस में नहीं हो पा रहे थे। तो अभी ना अपडेट कर लो, उसके बाद में ट्राई करके देखो, और फिर भी ना आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहे होंगे तो अभी कमेंट करके इस वीडियो पे जरूर बता देना। तो गाइस, अभी बात करते हैं हम कार सेलर सिमुलेटेड डीलरशिप के अपकमिंग बिग अपडेट्स के बारे में। बिल्कुल सही, इसमें ना अभी तक एक कोई ना कोई बड़ा अपडेट आपको देखने मिल जाता था, बट गाइस गेम में ये जो प्रॉब्लम हो गई ना, उसके वजह से इसके अपडेट डीले हो गए। यानी कि आपको अभी तक ना इंटरेस्टिंग अपडेट देखने मिल जाते थे, बट इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे, उस वजह से सारे अपडेट डीले हो चुके हैं। तो गाइस, अभी ना अपकमिंग अपडेट के अंदर आपको सबसे पहले देखने मिलेगा ट्रैफिक मोड। बिल्कुल से आप सभी को बताएं, कार फॉर सेल के जितने भी गेम है, ज़्यादातर गेम है ना, सभी के अंदर ट्रैफिक मोड है। मतलब ट्रैफिक ना सभी के अंदर है, ऐसे छोटे छोटे गेम है, 50-60 MB के गेम है ना, उनके अंदर भी ट्रैफिक है। बट गाइस, एक लौता ऐसा गेम है डीलरशिप जिसके अंदर अभी तक भी ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल से पूरा मैप खुला खुला पड़ा होता है। तो अगर इस गेम के अंदर जो सबसे पहले जो चीज़ आने की ज़रूरत है और आएगी भी, तो वो है ट्रैफिक। बिल्कुल से, बट ट्रैफिक आने के बाद में ना एक और प्रॉब्लम हो सकती है, लैग ना और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि ट्रैफिक आएगी ना तो सर्वर पे ना और भी ज़्यादा आपका लोड बढ़ जाएगा, और उससे क्या है ना और भी ज़्यादा लैग बढ़ सकता है। बट गाइस, आप सभी को ना बहुत ही जल्दी ट्रैफिक आपके गेम के अंदर देखने मिलने वाली, अगर आपका लो डिवाइस है ना उसमें तो लोड बढ़ सकता है। आपको पता है कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023 गेम था गाइस, मतलब सबसे स्टार्टिंग में गेम आया था वो, जो हम स्टार्टिंग में भी खेलते थे। तो उसमें ना गाइस जैसे ट्रैफिक आ गई थी ना, उस गेम का पूरी वॉटी लग गई थी, पूरा गेम बहुत ज़्यादा लैगी हो गया था, कुछ भी सही तरीके से चल रहा नहीं था, पूरा गेम बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया था। डीलरशिप के साथ ऐसा कुछ ना हो उसके लिए तो अब उनके डेवलपर्स को ही पता, अगर वो सही से काम कर पाएंगे तो सही से काम हो जाएगा, तो बिल्कुल सही रहेगा, और हमारे को लैग फ्री गेम प्ले देखने मिलना चाहिए अभी, क्योंकि हम बहुत दिनों से ना बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अभी तो हमें कोई ना कोई लैग फ्री गेम प्ले देखना मिलना चाहिए। इसके बाद हमें गेम के अंदर न्यू मैप देखने मिल सकता है, बिल्कुल से अभी वाले अपडेट में देखने मिलेगा और उसके नेक्स्ट अपडेट में देखने मिलेगा वो नहीं पता, बट गाइस गेम के अंदर हमें एक न्यू मैप देखने मिलेगा। वो मैप कहाँ देखने मिलेगा, बिल्कुल से हमारे जो टो करवा के हमारे जो कार ले जाते हैं हमें स्पीड टेस्ट करवाने के लिए, जैसे ना गाइस अभी कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023 के अंदर ना रेड विली नाम का अपडेट आया था ना गाइस, जो मैप आया था ना, उसी तरह से कोई और मैप हमें ना इस गेम के अंदर भी जल्दी देखने मिलने वाला है, और मैप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ा भी होगा, जिसके अंदर हमारी कार हम ले जा सकते हैं और वहाँ पे जाके ना मस्त से ड्राइव वगैरह कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आप सभी के लिए। तो गाइस, अभी ना और बहुत सारी चीज़ें जो गेम के अंदर आने वाली, बट गाइस एक चीज़ आप करो गाइस, कि अगर आपको गेम के अंदर ना कौन सी चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं ना, वो फटाफट कमेंट कर दो, क्योंकि डेवलपर्स हमारी वीडियो देखते हैं, फिर वो भी उनको पता चलेगा कि आप लोग ये चाहते हैं ना, तो फिर वो फटाफट से गेम के अंदर वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो फटाफट ना कमेंट कर दो आप गेम के अंदर कौन सी चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद में गेम के अंदर गाइस हमें एक न्यू सेटिंग देखने मिल सकती है, बिल्कुल से ग्राफिक की सेटिंग हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि हम ना अभी गेम के अंदर ग्राफिक ना सेलेक्ट नहीं कर सकते, जो ग्राफिक है वो ऑटो ग्राफिक है, मतलब जो एक ही ग्राफिक है गेम के अंदर, बट गाइस गेम के अंदर अभी ग्राफिक के हमें ना ऑप्शन मिल सकते हैं, मतलब लो ग्राफिक, उसके बाद में मीडियम ग्राफिक और हाई ग्राफिक और अल्ट्रा ग्राफिक तक ना हमें ऑप्शन मिलेगा। इसके चलते क्या फ़ायदा हो सकता है कि हमें क्या, मैंने हमारा डिवाइस अगर लो डिवाइस है तो हम ना लो डिवाइस में मतलब ना लो ग्राफिक करके खेल सकते हैं, अगर डिवाइस हमारा अच्छा है तो हम उस पर हाई ग्राफिक करके खेल सकते हैं। इससे क्या गेम के अंदर का लैग भी कम होगा और जो जिसको जैसा खेलना है वो उसके मर्जी से खेल पाएगा, और ये बेटर होगा गेम के लिए ना, बहुत ही सही होगा ये सब अगर ग्राफिक का
सेटिंग हमें जल्दी देखने मिल जाती है ना, तो गाइस गेम में ना बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है। इसके बाद में इस गेम के अंदर ना न्यू कार ऐड हो सकती है। अभी अभी एक मैकलेनर ऐड हुई थी, उसी तरह से गाइस एक और रियर कार ना गेम के अंदर ऐड हो सकती है और कुछ नॉर्मल कार भी गेम के अंदर ऐड हो सकती है। नॉर्मल कार मतलब कार मार्केट में विलेज में यहाँ सब हमें मिल जाएगी। उसके बाद में रियर कार ना गाइस वो हमें कार ऑक्शन के अंदर मिल सकती है। बट गाइस वो रियर कार कौन सी हो सकती है वो हमें नहीं पता, बट बुगाटी के चांसेस है कि बुगाटी गेम के अंदर आ सकती है। ज़्यादातर चांसेस था बुगाटी के कि कार ऑक्शन में हमें ना नेक्स्ट अपडेट में बुगाटी चिरॉन देखने मिल सकती है या फिर कोई और भी कार मिल सकती है, बट बुगाटी के ना ज़्यादातर चांसेस। इसके बाद में गाइस और भी चीज़ें गेम के अंदर चेंजेस हो सकती है गाइस, बट अभी उनके बारे में इतना कोई कंफर्म नहीं है और ये अपडेट कब आएंगे वो भी इतना कंफर्म नहीं गाइस। बट जैसे ही गाइस मुझे अपडेट के बारे में कोई भी लीक पता चलती है, कुछ भी कंफर्मेशन मुझे आती है और कुछ डेट भी पता चलती है ना, तो मैं आपको वीडियो बना के बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना पड़ता है। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। मिलते गए जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।